हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एचआर रेटिंग। तो गाइज, इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने मोबाइल में कुछ इस तरीके से डबल वीडियो को एडिट कर सकते हो। तो आप भी इसी तरीके से वीडियो को एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। और मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज, इस तरीके का वीडियो एडिट करने के लिए आपको VN ऐप का जरूरत पड़ने वाला है। VN ऐप आपको प्ले स्टोर में और आई स्टोर में इजीली मिल जाएगा। तो गाइज, आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर ओपन करके सर्च बार में VN ऐप करके सर्च करना होगा और इसे आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड होने के बाद आपको उस ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिख जाएगा। तो आपको यहाँ प्लस आइकॉन पे क्लिक करना होगा और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके अपने वीडियो को ऐड करना होगा। वीडियो ऐड होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिख जाएगा। तो आपको इस वीडियो पे क्लिक करना होगा और आपको पहले अपने वीडियो का वॉल्यूम को कम करना होगा। वॉल्यूम को कम करने के लिए आपको वीडियो पे टैप करके रखना होगा और यहाँ वॉल्यूम ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको वॉल्यूम ऑप्शन पे क्लिक करके इस वॉल्यूम को ज़ीरो करना होगा और यहाँ से राइट क्लिक करके बैक आना होगा। तो नेक्स्ट आपको अपने वीडियो को स्लोमो करना होगा। स्लोमो करने के लिए आपको इस वीडियो पे क्लिक करना होगा और यहाँ स्पीड ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ स्पीड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से डॉट एडजस्ट होने के बाद आपको राइट क्लिक करके बैक आना होगा और हमारा वीडियो स्लोमो हो चुका है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके फिर से उसी वीडियो को ऐड करना होगा। और इस वीडियो को आपको कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है। कुछ इस तरीके से वीडियो जूम होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से स्क्रॉल करना होगा और इधर आपको मास्क ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब इस मास्क ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ लीनर ऑप्शन को चूज कर लेना है। तो नेक्स्ट आपको इस तरीके से लाइन दिख जाएगा। तो इस लाइन को आपको कुछ इस तरीके से क्रॉस करना होगा और इसको कुछ इस तरीके से नीचे ड्रैग करना होगा। लाइन को कुछ इस तरीके से ड्रैग करने के बाद आपको इस क्रॉसओवर को भी कुछ इस तरीके से ड्रैग करना होगा और नेक्स्ट आपको यहां से राइट क्लिक करके बैक आना होगा। बैक आने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, म्यूजिक को ऐड करना होगा। म्यूजिक को ऐड करने के लिए आपको यहां म्यूजिक पे क्लिक करना होगा और आपको म्यूजिक को चूज करना होगा। तो नेक्स्ट आपको यहाँ प्लस आइकॉन पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो को चूज करना होगा और अपने वीडियो को, इस सॉन्ग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और आपको इस तरीके से ऐड करना होगा। सॉन्ग ऐड होने के बाद आपको इस सॉन्ग को चूज कर लेना है और आपको कुछ इस तरीके से अपने सॉन्ग ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, सॉन्ग के एंड तक आना होगा और इधर आपको अपने वीडियो को कट कर लेना है। कट करने के लिए आपको वीडियो को चूज करना होगा और इस स्प्लिट ऑप्शन को चूज कर लेना है। तो इस तरीके से अपने वीडियो स्प्लिट हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो को डिलीट करने के लिए आपको इस वीडियो को चूज कर लेना है और इधर आपको डिलीट ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको इधर से डिलीट कर लेना है और इस वेस्ट पार्ट को भी डिलीट करना होगा। तो इस वीडियो को आपको कुछ इस तरीके से फिर से ड्रैग करना होगा। तो गाइस, इधर हमारा सॉन्ग ऐड हो चुका है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को डुप्लीकेट करना होगा। डुप्लीकेट होने के बाद आपको डुप्लीकेट किया हुआ वीडियो को क्लिक करना होगा और कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करके इस वीडियो को फॉरवर्ड कर लेना है। तो फॉरवर्ड होने के बाद आपको इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना होगा। तो नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इसी वीडियो को चूज करके कुछ इस तरीके से फिल ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको फिल ऑप्शन पे टैप करना होगा। तो नेक्स्ट आपको कुछ इस तरीके से फिर से स्क्रॉल करना होगा, इधर आपको क्रोमा ऑप्शन मिल जाएगा, इस क्रोमा ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो नेक्स्ट आपको कुछ इस तरीके से इस प्लस आइकन पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो इधर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस स्पिल ऑप्शन को आपको जीरो कर लेना है और इंटेंसिटी को 100 रखना होगा। कुछ इस तरीके से एडजस्ट होने के बाद आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड क्लियरली विजिबल हो चुका है। तो नेक्स्ट आपको यहाँ से राइट क्लिक करके बैक आना होगा। बैक आने के बाद आपको वीडियो का एंड तक आना होगा। तो नेक्स्ट आपको इस वीडियो को इस तरीके से एडजस्ट करना होगा और इस वेस्ट पार्ट को भी डिलीट करना होगा। तो वीडियो सॉन्ग तक एडजस्ट हो चुका है। तो इस वीडियो को आपको प्ले करके दिखा दूंगा। तो
गाइज आप देख सकते हैं कैसे ब्यूटीफुल तरीके से वीडियो एडिट हो चुका है। तो आप भी इसी तरीके से अपने VN ऐप पे कुछ इस तरीके से एडिट कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइज हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है, तो आप भी इसी तरीके से वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइज इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना और मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले इसी तरीके से और एक वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।